जी, कभी बदतमीजी का मौका तो दो। बहुत मजा देंगे हम। इस वक्त मुझे विद्या बालन की फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन एकता कपूर का वर्जन कुछ और है। भारत में फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं, सेक्स, सेक्स और सेक्स। सेक्स सुनते ही आपके भी कान खड़े हो गए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़.इन। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। एकता कपूर की जब भी छवि मेरे जहन में आती है तो मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू की तुलसी वीरानी याद आती है, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। लेकिन एकता कपूर की वो छवि अब धूमिल होती जा रही है। जब दर्शकों ने एकता कपूर की घटिया कॉमेडी वाली फिल्म में क्या कूल है हम या फिर बोल्ड फिल्म रागिनी MMS को नकार दिया, तो वो हिंदुस्तानी देसीपन दिखाने के बहाने उत्तर भारत के किसी गांव को आधार बनाकर बेहद फूहड़ वेब सीरीज लेकर आ गई हैं। इस वेब सीरीज का नाम है गंदी बात और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि ट्रेलर YouTube पर नंबर वन ट्रेंडिंग पर है। आज मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तूने सिर्फ मोबाइल फोन पे देखा होगा। 2 मिनट के इस ट्रेलर में गंदी बात के नाम पर सिर्फ सेक्स है। ससुर बहू के बीच, देवर भाभी के बीच, आशिक माशुका के बीच, अलग अलग पोजीशंस में या फिर अलग अलग कपड़ों में सिर्फ सेक्स और सेक्स ही है। इस साल भी हम अपना व्रत आप ही से तोड़ेंगे। ससुर जी, हमें भी प्यास लगा। 2 मिनट के ट्रेलर में आपको बड़े ही घटिया और वाहियात डायलॉग मिलेंगे, बिल्कुल ही देसी अंदाज में। जो तुझे मेरे साथ करना चाहिए वो तो लट्ठा के साथ कर रहा है। भौजी, कभी बदतमीजी का मौका तो दो। बहुत मजा देंगे हम। ट्रेलर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उत्तर भारत में घटने वाली घटनाओं, जैसे ससुर ने की बहू से दुराचार या देवर ने भाभी की इज्जत लूटी या सांप ने किया महिला से रेप आदि को आधार बनाकर एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ऑल्ट बालाजी के बैनर तले निर्देशक सचिन मोहिते ने एक बेहद फूहड़ दृश्यों से भरी वेब सीरीज की कल्पना की है। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एकता कपूर अपनी क्रिएटिविटी और कंटेंट के नाम पर सिर्फ सेक्स बेच रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रेलर के आखिरी हिस्से में एकता कपूर ने इसे महिलावादी ट्रैक पर ले जाकर अपने को हंसी का पात्र बना दिया है। मुझे लगता है वो सोच रही होंगी कि सीरीज के आखिर में फूहड़ कल्पना को फेमिनिज्म का नाम दे देंगी। लेकिन एकता जी, अगर आपको वाकई में बोल्ड अंदाज में महिलाओं के शरीर के साथ हो रहे खिलवाड़ के विषय को समझना ही था तो आपको लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गांव में महिलाओं के अवैध संबंध को लेकर 80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रिहाई। एकता कपूर को ये फिल्म भी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो तब समझेंगी कि वो कितनी फुहड़ता परोस रही हैं। उस रात नागराज हमरे साथ जबरदस्ती किया। सांप जबरदस्ती किए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भारत के गांव में सिर्फ फुहड़ता नहीं होती, मान मर्यादा भी होती है, संस्कार भी होते हैं, बड़ों के प्रति आदर सम्मान भी होता है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी और दुख भी होता है। जहाँ देश भर में एक तरफ महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ एकता कपूर की इस वेब सीरीज में महिलाओं को उपभोग और वासना की वस्तु दिखाया गया है। एकता कपूर, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस ट्रेलर और एकता कपूर की सो कॉल्ड क्रिएटिविटी के बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।